ये कलर कौन सा है सबसे पहले? सर ये पाकिस्तानी ब्लड लाइन का बच्चा है, ये पाकिस्तानी नागरा डब्बा, ये कलर जो चलता है उस लाइन का बच्चा है ये। और इसका नाम क्या रखा है? आप हमारे ठंडा मीठा मौसम में तो एनिमल को नहला नहीं सकते हैं। बहुत शानदार, ये देखें आप, मैं आपको गुलाबीपन दिखाता हूँ। सर गुलाबी बच्चा है। और लोग सर क्या कहते हैं, कैसे देखते हो आप ब्रीडिंग सेटअप और लोग ट्रेडिंग करते हैं, दोनों को कैसे देखते हैं आप? ट्रेडिंग का और ब्रीडिंग का सर रात दिन का फर्क है। ब्रीडिंग ये है कि आप घर पे बकरी लेके आओगे, पूरा आपको शेड्यूल पता है कि बकरी कितने टाइम की है, कैसी बकरी है, क्या दूध देती है, कैसे बच्चे देती है, क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट चल रहा है। ये बच्चा तो तेज हो गई है, एक बार भी यूट्यूब पे बच्चा नहीं है, सिर्फ शो के लिए बच्चा है यार। बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोखा एंटरटेनमेंट। आ गए हुसैन गोट फार्म पर और बहुत शानदार ब्रीडिंग सेटअप है और आपके लिए एक बड़ी नई न्यूज लेकर आए हैं। और हम लोग ओनर से इंट्रो लेते हैं, फिर गोट्स के बारे में जानेंगे, साथ में न्यूज भी बताएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे, न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे नए व्यूवर्स के लिए अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा। सर मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और अपना जो गांव है रोड़ा वाली गांव है, 2 किलोमीटर बाहर अपना फार्म है सिंगर रोड पे। और अपना जो स्टेट है वो राजस्थान है सर। स्टेट राजस्थान है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर स्थित ये जिला है जी। पंजाब भी बॉर्डर 30 किलोमीटर है, हरियाणा पंजाब नजदीक है, राजस्थान से भी नजदीक अगर एक हिसाब से देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ब्रीडिंग सेटअप आप कितने सालों से चला रहे हो? 8 साल हो गए सर। ब्रीडिंग सेटअप को कैसे देखते हो आप? ब्रीडिंग सेटअप और लोग ट्रेडिंग करते हैं, दोनों को कैसे देखते हैं आप? ट्रेडिंग का और ब्रीडिंग का सर रात दिन का फर्क है। ब्रीडिंग ये है कि आप घर पे बकरी लेके आओगे, पूरा आपको शेड्यूल पता है कि बकरी कितने टाइम की है, कैसी बकरी है, क्या दूध देती है, कैसे बच्चे देती है, क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है, ये जरूरी है ना। ठीक है। और उसमें से जो डिफरेंस की बात करें, अगर ट्रेडिंग का जानवर अपने लेके आएंगे तो 10-12-15 हजार का बच्चा बिकना है। ब्रीडिंग का जो बच्चा है वो 20-25-30-50-1 लाख तक बिक सकता है। क्वालिटी का। हां जी ठीक है। तो वीडियो का मकसद आज का ब्लड लाइन के जानवर दिखाएंगे आपको, शेल के लिए जानवर भी है, शौक भी करवाएंगे इंशाल्लाह, बिटल और बर्बरी दोनों की वीडियो देंगे। चलो दिखाएं, कहाँ से शुरू करोगे? बच्चे शुरू करते हैं हम आपके, इससे शुरू करते हैं। आपने बच्चा ब्लड लाइन के लिए तैयार कर रहे हो आप, हैं? बहुत बेहतरीन है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर शो किया जा रहा है, बच्चा इनके घर पे बर्थ हुआ है, इसकी मदर भी आपको दिखाएंगे, पूरा डाटा है इसका बच्चे का, माशाल्लाह बादामी सींग और बहुत खूबसूरत है। ये कलर कौन सा है सबसे पहले? सर ये पाकिस्तानी ब्लड लाइन का बच्चा है, पाकिस्तानी नागरा डब्बा, ये कलर जो चलता है उस लाइन का बच्चा है ये। और इसका नाम क्या रखा है? अभी नाम सर सोचा नहीं है। हमारे व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में सजेस्ट करें कि क्या नाम बच्चे का रखना चाहिए। और अभी बच्चा सर जब बच्चा तैयार होगा इंशाल्लाह, वैसे तो इसका नाम समुंदर रखा हुआ है, आगे इंशाल्लाह जो कुछ बनता है देखा जाएगा। अभी इसका एज क्या है? एज सर अभी 4 मंथ का बच्चा है। 4 मंथ का बच्चा है। फ्रेंड्स देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन नागरा डब्बा जिसे बोला जाता है वो कलर है, ओरिजिनल पाकिस्तानी नागरा डब्बा कलर है ये। और बहुत खूबसूरत बच्चा है, ब्लड लाइन का बच्चा है, इसका फादर भी बहुत अच्छी लाइन से था और उसी लाइन से आगे बढ़ रहा है। और बच्चा ग्रोथ वाइज अदर जो नॉर्मल ब्रीड होती है, नॉर्मल जो लाइन होती है उससे बादामी सीन, अच्छा चेहरा, वाइट आई माशाल्लाह, और डबल हड्डी का बच्चा है, बहुत खूबसूरत। और माँ ने एक ही बच्चा दिया है, माँ भी दिखा दे, दिखा दो माँ भी दिखा दो। अच्छा ये मदर है इसकी, फ्रेंड्स देख सकते हैं बकरी दिखने में आपको नॉर्मल नजर आ रही है लेकिन ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन की फीमेल है, ये व्हाइट आइज में है, खुले पत्ते कान है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फीमेल है। दांतों में अभी 6 हैं, 36 प्लस हाइट पे, 36 प्लस हाइट, ठीक है। सेकंड टाइम इसने एक बच्चा दिया, आपने ये नहीं कहेंगे 2 बच्चे दिए, ठीक है, एक ही बच्चा दिया माशाल्लाह। तो अभी ये गाभिन है, खाली है? गाभिन है सर, गाभिन है। तो कोई ब्रीडिंग सेटअप वाला शौकीन पर्सन आता है तो मन है, देख लेंगे सर, देख लेंगे, विचार कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत शानदार फीमेल, देखो ब्रीडिंग सेटअप और ट्रेडिंग का माल, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो आप। हम बार बार फोकस करते हैं, ब्रीडिंग का माल होता है, देखो जी क्वालिटी का कॉस्ट लगता है, आपको ये लगेगा कि पैसे लगते हैं, तो देखो ब्रीडिंग की पूरी श्योरिटी होती है, देखो रिजल्ट सामने है, कोई इसमें झूठ किंतु परंतु नहीं है। क्या है, लोग ब्रीडिंग में आपको 10-12-15 हजार की बकरी भी दे देंगे, उसमें क्या है वो बच्चे भी आएंगे ना, वो 5-7-10 हजार का बिकेगा। आप ऐसे नहीं गेस कर सकती हम 40-50 हजार का बच्चा बेच रहे, वो आप ब्रीडिंग में ही बेचोगे, ट्रेडिंग में नहीं बेच पाओगे कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी है। वो दूसरी बकरी देखो माशाल्लाह बेहतरीन फीमेल है फ्रेंड्स, रेड एंड व्हाइट कलर की और अच्छी यंग पार्ट है और हाइट बहुत अच्छी की है, ये देखें आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त फ्रेम है, ये देखें क्वालिटी देखें। क्या डिटेल पर देखिए सर, पहले 39 हाइट है, 39 हाइट पे है, 39 है, यस सर। अच्छा टेप लगा के दे सकते हैं किसी भी भाई को, डाउट हो, व्हाइट आइज में है, लंबे कान है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, कानों की लेंथ देखो सर, ये देखें आप, और दांत आप खुद देखिए,
चार दांत की बकरी अभी बिल्कुल यंग पार्ट है, चार दांत पे और अलग के क्रम से फर्स्ट टाइम दो बच्चे दिए हैं इसने। अच्छा लोग कहते हैं बीटल बकरी पहली बार तो दो बच्चे नहीं देती है। सर तीन भी देती है, कहने वाले तो सर कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा दो बच्चे हैं अभी, आपको अभी थोड़ा टाइम में नीचे लगा के दूध पिलाते दिखा। अच्छा गुगिया कहते फिरती है कि बीटल बकरी फर्स्ट टाइम पर एक बच्चा। सर गुगिया की बात कर देते हैं, ये जो टाली की बात हो रही थी साबिर भाई कह रहे थे ठीक है ये पिछली टाली है, बड़ी वीडियो वायरल हुई उनकी कि साबिर भाई ने बोला कि वो टाली पर घुगी बैठती है, ये टाली वो ये है टाली है ठीक है घुगी आगे रुकी थी वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके रुकी थी। ठीक। अच्छा इस यहाँ इस जगह इस कॉर्नर में आई थी और घुगी मेरे को बोला था कि मैं अपने सर्वे करने के लिए आए थे। गुगी फर्स्ट टाइम इसी टाली पर आके रुकी थी, इसी टाली पे। ठीक। ये टाली आखिर मिली गई टाली वो कहाँ पर आके रुकी थी? तो आज सद्दाम भाई ने वो राज पर्दे से उठा दिया। दो साल की बात होगी सर, मैंने किसी को नहीं बोला। हाँ। और मैं झूठ। अच्छा आप इतने दिनों से अपने मनसूबे मन के अंदर दबा के बैठे थे, साबिर भाई ने वो राज उठाया तब आपको याद आया ओहो गुगी। और एक बंदा मेरे साथ और भी प्रूफ था कि गुगी यहाँ पे आके रुकी थी। अच्छा यही जगह बिल्कुल ये गुगी खुद बीटल सर्वे करने के लिए आई थी। अच्छा गुगी खुद सर्वे करने के लिए आई थी और यही वो टाल। आखिरकार इस राज से पर्दा उठ ही गया कि वो गुगी कहाँ पर आई थी। तो वो गुगी आई थी इस बड़ी टाली के बिल्कुल पास और यहाँ फर्स्ट कदम रखा था इधर और गुगी आगे पे रुकी थी। तो वो टाली ये है भाई, वो टाली जो साबिर भाटी ने जिक्र किया था वो टाली ये है। सदाम भाई ने राज से पर्दा उठा दिया। हम बच्चे और देखते हैं, बच्चा और दिखाते हैं सर आपको। क्या बात है माशाल्लाह, ये बच्चा तो तेज हो गई है, एक बार भी यूट्यूब पे बच्चा नहीं है, सिर्फ शो के लिए बच्चा है यार। बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह, कमेंट में माशाल्लाह जरूर लिखें इस बच्चे के लिए। और फर्स्ट वीडियो है यार, एक बात तो कलर तो ये नॉर्मल कलर है और मैं गुरफान भाई का जो झंडा वाली गांव से उसका अच्छा अदा करना। अच्छा उनका मक्खी जीना बकरे का रिजल्ट है ये, उसका बच्चा है, डायरेक्ट बच्चा है। अभी 8 मंथ एज हुई है, 39 हाइट है, 8 मंथ का बच्चा हुआ है, 55 kg। ये 8 मंथ मतलब अदंत बच्चा है। अदंत बच्चा है, इसकी माँ भी दिखाऊंगा। नहीं ये आपने खरीदा हुआ बच्चा कि घर पे बर्थ हुआ है? आप घर का बच्चा। अच्छा ये घर का, आपके घर का बच्चा है। फरवरी 27 को जन्म हुआ है सर इसका। दांत दिखाओ यार, यकीन नहीं होता। बिल्कुल फ्रेंड्स अदंत बच्चा है और अब इस वीडियो में शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो इसकी मार्च में ही आएगी या फरवरी में आएगी, तभी भी आपको ये बच्चा अदंत मिलेगा। आप ये अच्छी लंबान का ब्लड लाइन का नजर आता है, इसलिए इसको ब्रीडर तैयार कर रहे हो आप? बिल्कुल ब्रीडर तैयार कर रहे हैं, ब्रीडर तैयार। ये गुरफान भाई से रिक्वेस्ट से बकरा छुड़वा के लेके आया, तो इसकी मदर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी मदर दिखाएं आप, ठीक है फ्रेंड्स इसकी मदर दिखा दे। अरे ये मदर तो की बराबर है, ये तो मदर भी सर 39 की है, बच्चा भी 39 का है। अच्छा ये तो अदंत में मदर के बराबर आ गया। जी ये है ब्रीडर का, अदंत नहीं है, 8 मंथ का बच्चा है। आपको बोल दिया फरवरी 27 का जन्म है, आप आइडिया लगा लो, बच्चा 14 महीने में जाके दांत तोड़ेगा। अभी फरवरी 27 को ये पूरा 12 महीने का होगा। फ्रेंड्स ये मदर देखो, मदर भी अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर की है और बहुत शानदार फीमेल है। कितने सुए ले चुके हैं उसे? दांतों में 6, ठीक है सर। अभी इसने 2 बच्चे दिए हैं उस तरफ है, इसने भी 2 बच्चे दिए हैं। सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम बच्चा वो था, सेकंड टाइम बच्चे दो पाठे दिए हैं, ठीक। और ये गुलाबी शो करती है ये सर। फ्रेंड्स मार्बल सिंगो का गुलाबी बच्चा है, बहुत अच्छे बॉडी फ्रेम का, पिंक स्किन के अंदर है, पूरी चमड़ी गुलाबी है। आप हमारे ठंडा मीठा मौसम में तो एनिमल को नहला नहीं सकते हैं। बहुत शानदार, ये देखें आप, मैं आपको गुलाबीपन दिखाता हूँ। सर गुलाबी बच्चा है और लोग सर क्या कहते हैं, खींच खींच के, ये देखो सर। ये बात खींचने में कुछ ही खींचे, ये कंबल देखो, चेहरा भी गुलाबी है, आंखें देखो माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको नजरों बस से बचाए, पूरा गुलाबी बच्चा। दंत है ये भी उसी के साथ है, साथ का ही। 3 बच्चे हैं, तीनों आपको दिखाते हैं उसी के सको, 2-4 दिन आगे पीछे। वजन क्या होगा इसका? वजन सर इसका निकलना चाहिए 45 kg के आसपास, और हाइट हो जाएगी 36+। 36+ हाइट है, अदंत बच्चा है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन है। ये बच्चा डायरेक्ट बच्चा जो साबरी गोट फार्म के पास क्या रुकी में, उसका डायरेक्ट बच्चा एक ही अपने पास, एक बड़ा ब्रीडर है वो भी है और एक बच्चा ये, ठीक है। तो ये कोई कदरदान आता है दे दोगे सर? वो तो मौके पे देखेंगे। एक ये बच्चा है फ्रेंड्स, ये भी गुलाबी के अंदर है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, पीछे से भी गुलाबी है और माशाल्लाह पंच फेस बहुत शानदार है इस बच्चे का। ये देखें आप पंच फेस देखें, बहुत खूबसूरत पिंक स्किन के अंदर है। देखें एक एक नस गिन लीजिए आप। ये भी क्या वजन होगा? 40 kg हो जाएगा। 40 kg, 35 हाइट है और ये भी उसी एज का अदंत का ही है, ठीक है माशाल्लाह। ये देखिए बच्चा, सभी अच्छे फेस पंच के,
ये आपकी नेक्स्ट बकरियां हैं जो ब्रीडिंग सेटअप के लिए। ये मेन अपना बुलंद है, ये मेन है बुलंद जो अभी एट प्रेजेंट आप इसे ब्रीड कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रीड, सब अब जो ब्रीड आएगी इसी ब्रीडर की आएगी सर। ये भी एक लाइन का है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन का बच्चा है, रिजल्ट उससे भी अच्छा। पिछली वीडियो में हमने लिया था तब इसका नाम बताया था बुलंद है जिसका नाम, और बहुत रुबाबदार बच्चा है। आप स्टैंडिंग वगैरह देख सकते हैं, आप बच्चे को देखोगे दो घड़ी आप देखते रह जाओगे, बच्चा बहुत शानदार है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। ये देखें आप, ये देखें स्टैंडिंग देखें आप। सदम भाई बताएं इस बच्चे के बारे में क्या डिटेल है। अभी सर चार दांत उठा रहा है ये और 42 प्लस हाइट है आपकी, सेकंड वीडियो थी उसमें भी मेजरमेंट लगा के दिया, अब ऊपर गया होगा फिर भी आप 42 लगा के चलो। इसका रिजल्ट अब आने वाला है क्या? रिजल्ट सर बहुत अच्छा है, इसलिए तो इसको रोक रखा है, पहले भी इसका रिजल्ट आ चुका है इस फीमेल पे। इस पे रिजल्ट अच्छा। बकरी के सींग में थोड़ी दिक्कत हुई आज सर, ये जो सींग तैयार हो जाता है तो वो सींग से जो कवर है वो निकल कवर निकल गया है। ये क्या बने बकरी? 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है इस बकरे से है, बाकी सभी बकरियां इसी बकरे से प्रेग्नेंट है। अच्छा ये था आपका फार्म ब्रीडिंग सेटअप, इसमें आप छोटे बच्चे दिखाओगे या नेक्स्ट वीडियो में लेंगे? नेक्स्ट में ले लेना, अभी दिखाना तो अभी दिखा दो। चलो नेक्स्ट में बकरियों के साथ दूध पीते शो कर देंगे, दूध पीते शो कर देंगे। ठीक है, अपना नंबर दे दो, 800-3693829 व्हाट्सएप है ना इस पे? हां व्हाट्सएप। फ्रेंड्स ये थे सद्दाम हुसैन, हुसैन गोट फार्म से, माशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप का शो कराया आप, अच्छी क्वालिटी के गोट दिखाए। कोई भी सर जानवर इनमें से खरीदा नहीं हुआ है, ये घर का है, ये सभी जानवर घर के हैं, सब होम ब्रीड का है। ठीक है, उसी हिसाब से कॉल करें, लोग सोचे कि 15-20 हजार का कोई जानवर नहीं है इसमें, सब ब्लड लाइन की गोट, सब बनने लायक चीज है। मतलब आप पालोगे शौक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्वालिटी है। बने रहो हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।